नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे सूरज सर की क्लास में और स्टडी नाइट की जबरदस्त एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में। आज हम कवर करेंगे हिंदी हो, इंग्लिश, एचपी जीके और जनरल साइंस करेंगे। ये वो पेपर डिजाइन किया गया है एचपीपीएससी के थर्ड जो क्लास 3 की जो भर्तियां होती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी प्यारी सी एक वेबसाइट है जहां पर आपको मिलेंगे फ्री 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 1000 एचपी जीके के एमसीक्यूज। आपको इस पे अपडेट किए जाएंगे। इस पे आपको आज तक हिमाचल जीके जितनी भी पूछी गई थी एचएस एग्जाम हो गया, नायब तहसीलदार उसकी मिलेगी। आपने studynight.in सर्च करना है, उस पे आपने खाली अकाउंट बनाना है, फ्री मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रचंड बैच 1100 स्टूडेंट का विश्वास है, सभी ने ज्वाइन कर लिया। हमारी फीस जो है जस्ट ₹100 फीस है आप लोगों के लिए। 3 दिन खाली हमारे पास बचे हो, 6 महीने की कोचिंग है, नो मंथली फीस है, कोई पेमेंट रिमाइंडर नहीं। लाइव क्लासेज जो होंगी वो पेड एप्लीकेशन के ऊपर होंगी। हमारी फुल सिलेबस कवर, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, हिमाचल जीके, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, रीजनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज जो है वो आपको करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कोई भी चीज छोड़ेंगे। लाइव अगर मिस हो जाए रिकॉर्डेड अवेलेबल है। लैंग्वेज बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम इंग्लिश में मिलेगा। भाई स्टडी नाइट को चूज क्यों करना है? स्टडी नाइट जो है प्रॉपर बेस्ट टाइमिंग, द क्लास विल स्टार्ट एज पर द शेड्यूल मेंशन, वीडियो राइट फ्रॉम दी जो यानी कि जो क्लासरूम में आपको जो हमारी वीडियोज है उसकी क्वालिटी आपको कहा वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। बाकी छोड़ो यार, बाकी फालतू की बातें नहीं करेंगे, आओ सीधा डायरेक्ट पेपर की शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशनल कोट के साथ कहता है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियों चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। सोचिए आप ऊपर चढ़ रहे हैं, जब आपने पैर हटाया ना, दैट मीन्स गिर सकते हो। इसीलिए जिंदगी में याद रखना, ऊपर चढ़ने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। डेली लाइव आ गया हूं मैं, आ गया हूं, एकदम प्रचंड प्रहार करने आया हूं। ऐसा प्रहार है, जबरदस्त प्रहार है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मॉडल पेपर मिले या नहीं मिले, देखिए बेटा सैंपल पेपर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि हाल ही में इसमें 6000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हमें ज्यादातर वैसे टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, एक में 6000 है, दूसरे में शायद इतने ही होंगे, पता नहीं कितने, लेकिन शायद मुझे लास्ट रिपोर्ट थी कि 12000 प्लस हो गए हैं टेलीग्राम पे। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन उसके बाद आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई नीड नहीं है यार पैसा खर्च करने की। फ्री है, इसको बाय करने के लिए, बाय नहीं करना सॉरी, इसको पाने के लिए आपने क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा। इसका नाम मुझे मॉडरेटर से मेरी दरख्वास्त है, इस चैनल का नाम बताओ, ये जो हमारा है टेलीग्राम पे इसका क्या नाम है? एक्चुअली आई डोंट नो यार, बहुत से चैनल है हमारे, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, तो इनका क्या नाम है आई डोंट नो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मैनेज नहीं करता हूँ। देखो साफ सी बात है, मुझे अपने चैनल का ही नाम पता नहीं है कि इसके अंदर जो नाम जो है वो यूजर नेम क्या सेट किया हुआ है। चलिए इसी के साथ जो है पहला सवाल करेंगे। कहता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबाई में पूछा हुआ है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी। फटाफट से इसका राइट आंसर बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो लंबी जो नदी है वो कौन सी है। सतलुज इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज जो है, यानी कि किन्नौर शिपकिला जो पास है वहां से जो एंट्री करती है। ठीक है जी, तो किन्नौर से ये एंट्री करती है, निकलती है कहां? मानसरोवर रक्षताल झील के समीप से जो है ये निकलती है। वेरी गुड, सभी का वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। फ्री में 1000 एमसीक्यूज ले लेना बेटा, इसी में मिल जाएंगे आपको, यहां जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इनको थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, 1000 एचपी जीके के पढ़ लो, ज्यादा नहीं। ठीक है, 1000 इनफ हो जाएंगे, कुछ दिन इनको पढ़ लीजिए, प्लस 10 मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल पेपर आपको पूरे डाल दिए, उनको पढ़ लीजिए, आज देखेंगे आपको कितने कितने मार्क्स बनेंगे। ठीक है, कोई भी पैसा नहीं देना बच्चे, 1 रुपए की फीस मत दो यार, नो नीड टू पे, किसी भी चीज के लिए पे करने की आवश्यकता नहीं है। एचपी जीके के मिल जाएंगे आपको 1000 मॉडल पेपर, प्लस एचएस के कल जो है अपडेट होगी, टेस्ट सीरीज अपडेट हो जाएगी, ऑनलाइन भी चढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बंदर घाटी कहां पर है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी पूछा? बंदर घाटी, एक बंदर पुंछ जब लग जाए, बंदर पुंछ आपकी उत्तराखंड में है, बंदर पुंछ घाटी। ठीक है, बंदर पुंछ घाटी, अब एक घाटी आती है, बंदर घाटी भी आती है, हिमाचल प्रदेश में आती है, शहद से मैंने याद रखने को कहा था बेटा, वेरी गुड शाबाश। वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखिए 200 से ज्यादा लाइव है और लाइक जो है 77। अरे जानो तो हाँ गलत है ना यार मित्रा, लैक तो मार दिया।
ठीक है जी। तो बंदरपुंछ घाटी पूछेगा बेटे, बंदरपुंछ घाटी जो है उत्तराखंड में, कहाँ है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड यानी कि यहाँ से एक नदी निकलती है उसका नाम है यमुना। क्या निकलती है? यमुना निकलती है, जिसको जो है दूसरा जो वैदिक नाम की अगर हम बात करें इसको कालिंदी कहता है। क्या कह देता है? कालिंदी कह देता है। यस वेरी गुड, सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? यस 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 वेरी गुड। देखिए चंबा में शहद, मैंने बोला है बंदर वगैरह क्या खाता है? शहद खाता है, दूध खाता है, दूध वाली घाटी शहद वाली घाटी चंबा में हो जाएगा, तो चंबा इज द राइट आंसर। फटाफट से अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या कहता है हमारे पास, कहता है रोहतांग पास किसके बीच स्थित है? किसकी बात कर रहा है? रोहतांग पास की बात कर रहा है। फटाफट से बताएंगे, रोहतांग पास चंबा, भरमौर, किन्नौर, लाहौल, कुल्लू, लाहौल, कुल्लू स्पीति, कहां पे होगा? मैं आपको मैप मैप के थ्रू पढ़ाता हूं, तब तक के लिए चलो फटाफट से बताइए, ठीक है बेटा, कहां पे होगा जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश वेरी गुड। तो सभी का सही आंसर आने लग गया है, आप लोगों का भी आंसर आना चाहिए। ये देखिए बच्चे, इसको पढ़िए। अब यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैप के थ्रू जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैप से जो है वो जो चीजें जो होती हैं वो ज्यादा जो है वो क्या होती है, क्लियर होती है। अब यस यस वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए बच्चे, ये जो हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये हमारे पास कुल्लू है, और कुल्लू के साथ यहाँ पे लग गया लाहौल स्पीति। क्या लग गया? कुल्लू के साथ जो है वो अपर एरिया को लग गया लाहौल स्पीति। तो यहाँ जैसे से जो है इस पास को भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ जैसे जो है क्यों ना इसको यहीं जैसे जो है बना लेते हैं, ठीक है। चंबा, भरमौर, काटा, क्योंकि भाई ये तो कांगड़ा है इधर, ठीक है, तो कांगड़ा तो इधर है, हम क्यों देखें भाई, हमने देखना ही नहीं कुल्लू, कुल्लू को चंबा के साथ हमने देखना है, देखना ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखना। इसको काट दिया, किन्नौर और लाहौल को काटा, क्यों? किन्नौर और लाहौल में तो है नहीं, किन्नौर और लाहौल को जोड़ने वाला कुंजुम हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कुंजुम हो जाएगा, ठीक है, कुल्लू लाहौल हो जाएगा, कुल्लू और स्पीति। देखो बेटे, लाहौल ये है, ठीक है, स्पीति वाला नीचे वाला एरिया है, ठीक है, तो उसकी भी बात नहीं करेंगे, गॉट इट। तो इसको भी काट दिया, चलिए वेरी गुड शाबाश। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कांगड़ा जिले का ज्वालामुखी मंदिर किस वास्तु शैली से बना है? कौन सा मंदिर पूछा है? ज्वालामुखी का मंदिर पूछा है, पिछले पेपर में यह सवाल आया हुआ है। वेरी गुड, फटाफट से बताइए, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई जरूरत नहीं है फीस देने की, खुद कह रहा हूं नो नीड टू पे। हाँ, अगर क्लासेस के लिए आपने फीस देनी है तो ₹120 फीस है, लेकिन कंटेंट मत लो यार, कंटेंट वाई, इतना ज्यादा कंटेंट है, फ्री 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 है तो फ्री लो, फिर गच रहो, खुश रहो। हाँ, चौरस छत शैली में है, शंकु छत शैली में, शंकु यानी कि शंकु होता है ऐसे वाला, ठीक है, पैगोडा शैली की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे मंडी का प्राचीर हो गया, ठीक है, अपना जो है यानी कि कुल्लू में इडिम्बा देवी हो गया, तो ये हो गया पैगोडा शैली में। अब कांगड़ा जिले का जो मंदिर है आपने देखा वो गुंबद आकार की जो शैली है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा गुंबदकार शैली। इस शैली को क्या कहता है? इसको सिख शैली भी कहता है। क्या कहता है? सिख शैली भी कहता है, गॉट इट। तो कई बार आता है सिख शैली क्या है, तो सिख शैली भी कहता है और गुंबद शैली भी जो है इसे कहता है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सन 1815 की सुगौली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे? बताइए, सिख और गोरखों ने किए, सिख अंग्रेज ने किए, गोरखा तथा अंग्रेज, या अंग्रेज और हिमाचल की देसी रियासतों ने किए? वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश जानू, तुम्हें गलत है ने, डेली तुम्हें आहारे चैनल चाहते तो वीडियो जो लाइक कर देना, सौगी मार देना सब्सक्राइब, जेड़ा जे बंदा बजांदा सब्सक्राइब बटन से जिंदा कई साल, ठीक है जी। फटाफट बताइए किसके बीच हुई थी? यस यस वेरी गुड। देखिए बच्चे, 1815 की बात है, सुगौली की एक संधि हुई थी। यस बच्चे, कहाँ हुई थी? सुगौली की जो है संधि हुई थी। यस, सभी का सही जवाब आ गया, ठीक है, सिख और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है, सॉरी गलती से कह दिया। अब समझिएगा इस चीज को, यहां पे क्या हो, सुगौली की संधि पर नेपाल और ईस्ट इंडिया जो कंपनी के बीच में, अब समझो नेपाल, नेपाल से हुआ करते थे गोरखे। बेटे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है हमारे पास, गोरखा अंग्रेज है, सिख तथा अंग्रेज है, ठीक है। अब सिख और अंग्रेज हो गए, यानी कि जब सिखों की बात करें, सिख तथा गोरखाओं के बीच में, नहीं याद कीजिए 1840 के आसपास तो सारा का एरिया जो है वो उनके पास आ गया था, अंग्रेजों के पास, ठीक। तो फिर कहां हो, कहां है आप लोगों का ध्यान? सवाल देखिए बेटा, ये क्या हुआ था, सुगौली की जो संधि हुई थी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन, यानी कि ब्रिटिश सरकार की हम बात कर रहे हैं, के बीच जो 1815 में हुई थी, जिसमें 4 मार्च 1816 तक इसकी पुष्टि की गई संधि द्वारा नेपाल में विवादित जो है तराई और तराई देश के लिए जो है, यानी कि तराई क्षेत्र होता था जो एरिया होता है नदी वाला, उसको कहते हैं तराई एरिया, के लिए सभी दावों का त्याग दिया था, ठीक है। तो काली नदी, काली नदी ने क्या किया, प्रादेशिक विभाजन किया बेटे, भौगोलिक स्थिति में पढ़ाया हुआ है, तो सतलुज नदी तक फैले अपने बीजे अभियान का हवाला दिया था, गॉट इन माय पॉइंट। तो ऐसी गलती नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बाबा भड़वाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? इसी ये पूरा पैटर्न है ये बेटा, ये कोई एचपी जीके के कोई रैंडम सवाल नहीं है, ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पे सवाल आते हैं। बताइए, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में? जयकारा बाबा बड़भाग दा, लगा दो भाई जयकारा एक बार फटाफट ते, नाले नाले चक दे मित्रों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
गलत बोल दिया हो तो क्षमा कर देना, ठीक है जी। सोलन, कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर, फटाफट बताइए। तो सबसे ज्यादा जो है जब हम बात करेंगे, यानी कि हम अगर पंजाबियों की बात करें तो मेनली जो आपको पंजाबी कहाँ मिल जाएंगे, अपने एरिया तो उन्ना, ठीक है, कहाँ मिल जाएंगे पंजाबी जो है आपको उन्ना वाले एरिया में जो है बढ़िया से मिलेंगे। गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। एक सेकंड यार, थोड़ा साउंड कम कर लेता हूँ अपना ही, ज्यादा लगता है कई बार। हाँ वेरी गुड, सभी का सही जवाब आ चुका है, ठीक है। बाबा बड़भाग सिंह, डेरा बाबा बड़भाग सिंह का उन्ना जो है एक लोकप्रिय गुरुद्वारा भी है। बाबा बड़भाग सिंह जी का मेला वहां पे लगता है, होला मोला मेला फरवरी के। यार देखो जी, वो किथे कोई वो कुड़ी किथे गई जी, वो साडे मोहल्ले दी कुड़ी तुर गई लगता मेनू, तो होला मोला केड़ी जगह बनता, यानी कि जिथे पंजाबी रहते, सिरमौर वाला एरिया हो गया, पौंटा साहिब घाटी वाला हो गया, उसके बाद जो शेरपुर वगैरह वाला एरिया हो गया, वहां सभी जगह होला मोला भी चलता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की जब भी सबसे बड़ी झील की बात करेगा, अब हमें पहले तो इसको पढ़ना है कि किस हिसाब से दिया हुआ है, सबसे बड़ी बोला हुआ है। अब बड़ी, जब बड़ी पूछता है ये, अब यहाँ पर एक तो रकास, सबसे पहले तो इसको काट दिया, दशहर को काट दिया, दशहर भी बड़ी नहीं है। अब हमारे पास दो, गोविंद सागर जो झील है वो कृत्रिम है, ये क्या है, ये कृत्रिम है, और रेणुका जो है वो प्राकृतिक है। तो हिमाचल प्रदेश की जब सबसे बड़ी झील पूछा हो, अब बताइए अब क्या आंसर करोगे, अब फंस जाओगे बेटे। बड़ी जब बनाई गई ना, बड़ी बनाई गई है, तो बड़ी किसको बनाया, यस हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले बिच गोविंद सागर ही, बिलासपुरा बिच जेड़े बंदे दरियाओ परले कंडे रे तिनो बोले असे कैलूरिए, केड़े भाई कैलूरिए, तो कैलूर रियासत बिच ये तुसारी पौंदी है, ठीक है। तो कहाँ पड़ती है भाई, कैलूर में, कैलूर वाले ज्यादातर क्या खाते हैं, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय में क्या गन्ना, तो गन्ने बिच ये शुगर बनाए, तो शुगर और क्यों फिर बोलते हो पाओ खाना क्यों, क्या खाना पाऊ खाना क्यों, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो हिमाचल के साथ जुड़े रहो यार, हिमाचल बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हिमाचल में 32 विभिन्न बोलियां बोली जाती है, ओके जी, उनमें से कितनी भारतीय आर्य परिवार से हैं। भारतीय जो आर्य जो आए थे, आर्यकरण जिन्होंने किया था भारत में, ये जो आए थे इस पर्वत से होते हुए हिंद कुश पर्वत से, तो इनसे संबंधित है। 16, 21, 15, 19, फटाफट दसना भाई। अच्छा भाई, जैसे आसारी चंबियाली, आसारी मंडियाली, मंडियाले बोलते असे हाय मंडियाल, आसारी हकिया रही लाल लोग कर देने गला बोले असे करी दी तेरा कमाल, आई गल की नहीं आई मित्रों, गल की नहीं। तो चंबे आले केड़े गटे, चंबे आले बोलते असे बाबे लोग के, असे बाबे लोग के, ठीक है। तो शिमला वाले तो फिर खतरनाक, पहुंच पूंच होगी बाबे तेरी, मेरे पीछे तो देवता है भाई देवता, समझ गए। तो अपनी अपनी लैंग्वेज है सबकी, यस वेरी गुड, सभी का सही जवाब। हिमाचल प्रदेश में जो 32 विभिन्न बोलियां जो बोली जाती है, उनमें से 21 बोलियां भारतीय आर्य परिवार की है। पहाड़ी भाषा की लिपि जो कि टांकरी है, टांकरे सटने, ठीक है जी, ऐसे ऐसे कुछ भी टांकरे सट दिए, जो बनियों द्वारा हिसाब किताब में प्रयोग किया जाता है। इसी लिपि में पहाड़ी राज्यों के अभिलेख का फरमान लिखे जाते थे, ठीक है। हबलूर ने टांकरी जो लिपि को शारदा लिपि का सुधरा हुआ रूप माना था। वर्तमान में पहाड़ी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। केड़ी लिपि विच लिखी जाई, आजकल लिखा है मैं देवनागरी विच, लग्या पता कि नहीं लग्या वो मित्रों। तो याद रखना, बंदे बुंदे होंगे ना बाबे तेरी पहुंच में, मेरी पहुंच में ना पीछे देवता, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गुज्जर क्या है। गुज्जर एक शिकारी जनजाति है, घुमंतू जनजाति है, मांसाहारी जनजाति है, इनमें से कोई नहीं। देखो जी, जेडे गुज्जर होंगे तो गुज्जर की करते, गुज्जर मेला, याद कीजिए, मेला लगेगा, मेला, रूपा फिर नाचेगी, क्या लगेगा, मेला लगेगा। इस बार मेला लगा है स्टडी नाइट पे, हजारों स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, इस बार मैं एक दो, अब मैं आंकड़ों में नहीं, अब सैकड़ों में सिलेक्शन दूंगा, लाज ही कह दिया। तक क्या बोली करा, गुज्जर, तो रूपा फिर नाचेगी। तो शिकारी जनजाति है, घुमंतू जनजाति है, मांसाहारी जनजाति है, इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, ये क्या करते हैं, गुज्जर कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, तो घुमंतू जनजाति है गुज्जर जो है, घुमंतू जनजाति है गुज्जर लोग, मुख्यतः उत्तर भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में जो है बसे हुए भारत में गुज्जर, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य, बाबा गुज्जर है बाबे गुज्जर। चलिए अगला सवाल देखिए, हिमाचल प्रदेश का ठंडा मरुस्थल कौन कहलाता है। बोलो भाई, 10 समझ जाते तो सर कितने कितने नंबर आए, क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए हमने, फटाफट से यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो, 200, 250, 300 होने वाले हैं लाइव,
फटाफट से कर दीजिए आंकड़ा। एक और अनाउंसमेंट दे देंगे, बिगेस्ट अनाउंसमेंट, पांगी कलोंग स्पीति पू। देखो भैया स्पीति वाला जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल क्यों? क्योंकि वहां पे जो है बारिश वगैरह कम होती है, ज्यादातर स्नो रहती है, ग्रेटर हिमालय में आता है। कुछ एरिया नीचे जो है तो धौलाधार ने घेरा हुआ है, यानी कि नीचे धौलाधार पीरपंजाल, उसके बाद ऊपर ग्रेटर हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय का एक पार्ट पार्ट, उसके बाद हम अपर एरियाज में पड़ते हैं। तो गॉट इट, दैट मींस कि स्पीति वाला जो एरिया है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गंभरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? केड़ी देवी, गंभरी देवी, जल्दी दसना। लोक गायन, पहाड़ी चित्रकारी, टांकरी लेखन, चंबा रूपाल निर्माण। हमारे गांव में भी हुआ करती थी गंभरी आंटी, ठीक है, वो बड़ी भारी मार आई थी। स्कूल में पता क्या होता था, मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी तो सब कुछ ठीक था, हम लोगों को टीचर ने तो पिटा ही पिटा, टीचर ने पीटा पीटा। जो आंटी नहीं होती थी घंटी घुंटी बजाने वाली, वो हमें ज्यादा पीटती थी आके, ठीक है। तो हमें तो गंभरी आंटी ने बड़ा पीटा है। लोक गायन, पहाड़ी चित्रकारी, टांकरी लेकर, चंबा रुमाल निर्माण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाना, गंभरी देवी जेडी लोक गायन से संबंधित थे 1982 में 8 जनवरी 2013 बिलासपुर जिले हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गायिका और नर्तकी है। उन्हें हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति में उनका योगदान के लिए जाना जाता है। बिलासपुर का एक बड़ा प्रसिद्ध गाना, ओ कोल डैम एथी लगे ओ जानी मेरी है, आ सानू इया जगह की बस जाना, सारे बस गए, गाना तो बनाया था लेकिन बस गए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चुकंदर व केसर किस जिले में पैदा होता है? केड़ा भाई चुकंदर, ए चुचंदर जल्दी से दसो, ठीक है। तारा भाई जोगिंदर आ जाएगा वरना यहाँ बेटा, ठीक है, तारा भाई जोगिंदर, ठीक है, छाती ठोक के कहता है तारा भाई जोगिंदर। तो तारा भाई स्टडी नाइट, गॉट इट। तो तारा भाई स्टडी नाइट क्या पूछ रहा है, चुकंदर और केसर किस जिले में है? लाहौल स्पीति, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर। तो भाई केसर, अब ठंडी ठंडी, और ठंडी ठंडी हवा जो चल दी है ना, वो चिड़िया दी जुनकार, कोई एक गाना भी है हिमाचल का। तो कौन सा एरिया कर देंगे, डायरेक्ट किन्नौर करें या लाहौल स्पीति करेंगे? अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, चुकंदर और केसर जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जो है वो पैदा होता है। अगला सवाल है कहाँ अंगोरा खरगोश जो प्रजनन केंद्र है, ज्योरी विच, नगवाई विच, ताल विच, या फिर कमांड मंडी विच, जल्दी दसना। 300 होने वाले लाइव भाई, वीडियो जो कर दिया शेयर मित्रों, ओ मित्रों 300 हुई के लाइव, तुझसे तो ले दी रे, हुई जाओ मित्रों, फ्री फ्री बोल दिया, 1000 एचपी जीके फ्री, मॉक टेस्ट सारे के सारे फ्री, वेबसाइट पे एचएस की टेस्ट सीरीज फ्री, लगभग मैं 10000 एमसीक्यूज फ्री दे रहा हूं। कोई भी डिपार्टमेंट पेपर डाले, तारा वाइज स्टडी नाइट है, टेंशन नहीं लेनी। ज्योरी शिमला बीच कर दिए, नगवाई मंडी आला कर दिए, ताल अमीरपुर कर दिए, ये सभी का सही। अंगोरा खरगोश फार्म अपने ये थी मंडी बीच, नगवाई जेड़ा एरिया तेती पौंदा, नगवाई बीच क्या हुआ, बंदे की ड्यूटी लगाई, तब मेरे पे जेड़े बंदे नहीं होते, ये क्या बोला इन्हों, वेटनरी आले, तो अपना एक पाई है वेटनरी बीच, तो उसरी भी क्या हो रही, ड्यूटी लगी रही थी नगवाई का। चलो अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप से किन्हें जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 भैया, देखो क्या मजा लग रहा, नजारे पहरे आज, जता जीके ही दो सवाल और रहेंगे फिर हिंदी करनी। बाबा कांसीराम, बज्जूराम, बलखूराम, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए किन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताओ जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश वेरी गुड। देखो जी जेड़े जी सर फ्रंटियर गांधी है ना, तो ये बच्चे क्या करी दे, पहला ऑप्शन करी दे इहदे विच, कई बारी केड़ा यो बोला है, बोले जी बाबा कांसीराम। देखो जी बाबा कांसीराम कौन थे, आपसे सवाल पूछेगा, बाबा कांसीराम जी को किसने कौन सी उपाधि दी, कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ सभी का सही आंसर हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप में जो है, जेड़े अपने भज्जू राम जी थे, तीनों जाना थे। अगला सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 15 बोला हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के तिया, वो तीता ड्यूटी लगनी स्टडी नाइटे भेज दी तेरे 70 बंदे, 70 प्लस बंदे आज सरे सिलेक्शन लेके ड्रो बिचा बढ़िया लग रहे नजारे है ना, के ब्लॉग बनाई दे ऐसे, ठीक है। तो इसी ब्लॉग से मेरे को याद आया, विनीता जी आपको स्टडी नाइट के परिवार से आपके जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक बधाइयां। तो केड़ी जगह जाना, पीटीसी ड्रो, अगली बार तुम देखोगे मुझको लाइव सजना, कहां से पीटीसी ड्रो से गारंटेड बात है। चलिए आगे बढ़े, तुम जितने भी देख रहे हो तुम अब ड्रो से देखना मुझे। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय स्थापित है, पोंटा साहिब, मंडी, बड्डू साहिब या उन्ना? केड़ा भाई पहला सिख विश्वविद्यालय, तब 10 बारी आई गया ये सवाल, ठीक है जी। केड़ा हिमाचल प्रदेश सर जेड़ा बड्डू जेड़ा साहिब भाई, बड़ू भी इसको कह देते हैं, बुड्डू भी कह देते हैं, कुछ भी कह लो, सिख विश्वविद्यालय जो है स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थापित जो एकमात्र विश्वविद्यालय है। यस वेरी गुड, सब भी हो गया जी राइट आंसर। अगला सवाल देखो जी, क्वेश्चन नंबर 17 बोलो जी,
एचपी पुलिस कांस्टेबल पास हुआ कि नहीं, 16 मन जाते कितने कितने नंबर आए, चल दीदा भाई 16 हो गए। अब हम बात करेंगे बेटा हिंदी, क्या बात करेंगे हिंदी, हिंदी है हमारे पास बेटे 16 सवाल हिंदी के है, एचपी जीके के हमने कर लिए 16 सवाल, बताओ आपके कितने कितने मार्क्स आए। प्लस इसके बाद जो है हिंदी के आपको दूंगा मैं 1000 सवाल फ्री, एचपी जीके के 1000 सवाल फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं लगना, हिंग नहीं लगना, फटका नहीं लगना, रंग होना चौका, और क्या चाहिए भैया, बोला नहीं तारे पीछे है स्टडी नाइट, बाप बैठा है कंटेंट का, बाप बैठा है। मैं लोग कहते हैं सर आपको घमंड है, अरे भैया हम ऐसे चलते हैं जैसे राजा है, क्योंकि कंटेंट इतना है, ठीक है कोई और है तो उसको देख लेंगे। कर्ता अधिकरण करण संबोधन, अच्छा हे रमेश यहाँ आओ, जे वे तो सारी लाड़िया आक पानी ना, ओ जी सुनिया वाला पूरे आने हो, जे वे तुम्हारी लाड़िया आवाज पानी, ते सा क्या करना तो सो संबोधन करना, ओ जी ओरे अन्यो तुम्हारा मुन्नू रोईदा अपने मुनु अज संभाला, आए हाय हाय क्या बात है, बांकी जे इनार सरकारी हो नौकरी, घर अरे आंगना खड़ी रही हो थार, क्या नजारे लगने हैं भाई। तो अगला सवाल देखा भाई, नजारे गए लगी तिथि कट्ठे करना पौना प्रहार, जे खड़ानी आंगना थार तक करना पौना प्रचंड प्रहार। अगला सवाल है प्रहार में उपसर्ग है, बोले जी हार लगाई दित्या, हार आगे करना ससी दक्या, प्रो प्रजमहार इक्वल टू बनी गया प्रहार, फिर खड़नी अंगना मन जाथार, ठीक है जी। तो ये बात हो गई, अगला सवाल देखिए पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन पंच आनन, देखिए कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु अधिकरण पंचानन की बात कर रहा है, द्विगु समास होता है वह समास जो किसी समूह को दर्शाए, एक तो समूह को दर्शाए, दूसरी बात पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक हो, संख्यावाचक, लेकिन तीसरी बात कोई विशेष अर्थ ना हो, ये बात याद रखना फिर आंसर देना, विशेष अर्थ ना हो, वेरी गुड वेरी गुड। अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर ऊपर, क्या बोलते हैं अधिकरण तो हो गया में पर ऊपर, ये जो कट दिए कर्मधार्य, क्या कर्मधार्य होगा ना जी ना, यस वेरी गुड। देखिए पंचानन का मतलब क्या हुआ, पंचानन का समास जो है पांच है, आनन जिसके अर्थात भगवान शंकर, शंकर का पंचमुखी रूप भगवान शंकर, बोलो एक बार जय महादेव, महादेव के नाम पे लाइक ठोको यार, ठोको फटाफट लाइक से ठोको जल्दी से। अगला सवाल देखिए मस्ती मस्ती में पढ़ देंगे, सनमार्ग का संधि रूप होगा, सनमार्ग बोलने का मतलब क्या है बेटे, नौ लगा हुआ है, नौ आया पंचाम अक्षर, नौ है पंचाम अक्षर, पहली बात नौ पंचाम अक्षर, पंचाम अक्षर किस वर्ग का, त थ द ध न, त वर्ग का, त वर्ग जब आया मतलब व्यंजन है, एक तो संधि पता चली कि व्यंजन लग रही है, दूसरी बात न तब बनेगा, न बनेगा कब बोलिए बेटे, न कब बनेगा जब भी अब देखिए सत मार्ग लिखो, एक लिखो संत मार्ग इसको काट दें, एक लिखो सत्य मार्ग, एक लिखो सत आर्ग इसको काटा, अब क्या किया त को बदला, एक त को द में बदला भी जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या मार्ग मार्ग रह गया त और म, यस वेरी गुड, इसका रूल कहता है सभी का सही, सत जमा मार्ग सन मार्ग जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, व्यंजन संधि का रूल था। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, जेड़ा बंदा अपने रास्ते ते भटकी जा पथ भ्रष्ट ते जो बोली दे, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट होना, पथ से अलग होना, अब से लगा दूर हुआ अलगाव हुआ, ओ बे तू बिछड़न बिछड़न कर दी सी, जद बिछड़ूगा पता लग जाना, है ना भाई, क्या कहते हैं लड़की बोलती है जब बिछड़न बिछड़न कर दी सी, जद बिछड़ूगा तेनू पता लग जाऊगा, तो आंसर दसो जी, अच्छा ऑप्शन आई भी कि नहीं आई जी। देखो भाई समास पूछा हुआ है, अब क्या है पथ से भ्रष्ट होना, ठीक है एक होता है कारक, कई बार हमें पूछता है कारक, तो एक तो हम कारक के आधार पर इसको करते हैं, दूसरा हम क्या करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में पर ऊपर, पहले तो द्विगु को काटा, द्विगु को काटा उसके बाद देखो कर्मधारय लग रहा है क्या, नहीं, जब हमने द्विगु को काट लिया तो अब समझिए पथ भ्रष्ट में तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट होना दूर होना, तो दूर होने के लिए क्या कौन सा कारक यूज करते हैं हम बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान की बात करेंगे, अपादान
ठीक है। वो बोले जी मैं दे दित्या दान, दान करी दित्या। अगला सवाल, बेईमान था एक, बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है केड़े बिच, बेईमान, मान एक शब्द है, मैनू मान है अपने ते, मैनू मान है स्टडी नाइट ते, मैनू मान है स्टडी नाइट ते कंटेंट ते, ते भैया मान के आगे लगा बे, क्या लगा, ये लगा बे, तो क्या बन गया बे। देखिए सोचना क्या बे करे मान और ईमान दो शब्द है, इसमें समझना इसमें बे भी ऑप्शन है, एक है मान एक शब्द है, ई जमा मान इक्वल टू ईमान हो गया, क्या बन गया इक्वल टू ईमान बना लिया, नंबर वन एक तो इक्वल टू ईमान बना लिया ठीक है। अब हमें पूछा बेईमान, ईमान बोले क्या थिया तेरा ईमान, ईमान ना आगे बे लाना या बे ही लगाना, यही तक गली तासा लाना बे, बे ते हो गया बेईमानी, बे उपसर्ग ईमान मूल शब्द ई प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, केड़ा भाई बालत बादल जेड़ा हुंदा तीदरा पर्यायवाची नहीं है, जलद बारिद बारिज जिमुत, जल्दी दसो भाई आंसर, बादल का पर्यायवाची शब्द भैया फटाफट बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप। क्या मजा आ रहा है कि नहीं बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं, नजारे लग रहे कि नहीं लग रहे मित्रों, बोला आप खुद बताइए, इस हिसाब से पढ़ेंगे स्पीड में। देखिए अगर मैं बात करूं जलद, ठीक है भाई मेघ कर लो, जलद होता है, मेघ होता है, अब्र होता है ठीक है। अगर हम बात करें जलधर की बात कर लेते हैं, जलधर होता है, ये तो हो गया। दूसरी बात बारीधर होता है एक, ठीक है बारिद अपना बारिधर हो गया, बारिधर हुआ तब बारिज करी दे, कई बार ऐसे ठीक है जो समानार्थी, कई बार समानार्थी शब्द पूछता है, कादम्बिनी मेघावली अबुंदर अबुंदुक बहलाक, ये सारे हो जाते हैं ठीक है। फिर मैक का जलधर हो गया बालक, अबुंदर बारिद, ये हो गया मेघ का, बारिद हो गया आपका मेघ का, किसका आ गया मेघ का आ गया, पेयोद नीरद वगैरह आ गए, गॉट इट, आगे कि नहीं आगे। तो बेटे ये जो जिमूत है केड़ा भैया, देखिए अब ये जो मैक्सिम बोल रहे हैं जीमूत, समझो बादल के अन्य पर्यायवाची अब्र है, मेघ है, धर है, जलधर है, बारिधर इत्यादि जो है वो सारे हैं। तो आप सभी हो गए सही, इसको छोड़ दो, इस ऑप्शन को मत देखो ठीक है, इसको मत देखिए, समटाइम जो है ये गलत इन पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कलम ठीक करवा देंगे आपके पेपर में अगर गलत होगा ठीक है। इसीलिए ज्यादातर आपने एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है ठीक है। जीमूत वगैरह पर्वत, जीमूत को मेघ, ये जीमूत किसका है, ये मेघ का बेशक है, ये मेघ का है, लेकिन बारिद खुद बादल को भी कहता है, लेकिन जीमूत को पर्वत वगैरह भी कहते हैं, गॉट इट, इसीलिए हमने इसको कर दिया ठीक है, मेन इसको पर्वत में लेके। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, मान लो आपने किसी पे उपकार किया बेटा ठीक है, आपने किसी का भला कर दिया, अब आपने किसी का भला किया तो उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एटलीस्ट लाइक तो कर दो एक बार, एडा दस्तो यार मजा आई करा कि नहीं, ए मित्रों दसा भाई मजा आई करा कि नहीं, फटाफट दस्तो। क्या कहता है, उपकार को याद कर रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, कृतज्ञ हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा, या कृत्य हो जाएगा। देखो भाई समझने वाली बात है ये भी, क्या होता है, जो होता है कृतघ्न, किया वो उपकार को न मानने वाला उसे कहते हैं कृतघ्न, कृतज्ञ जो उपकार को या नेकी को मानता हो ठीक है, क्या कृतज्ञ। अब क्या कहते हैं, अनुग्रहित, जैसे कि अनुग्रहित हो गया शुक्रगुजार, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, मैं आपका आभारी हूं। अब यहां से पता चला उपकार को याद रखने वाला पूछा हुआ था, तो भाई मैं आपका आभारी हूं, मैं आभारी हूँ सर जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि हमें आप जैसे स्टडी नाइट मिला, आज हमारी सिलेक्शन हुई, तो कृतज्ञ क्या हो गया बेटा कृतज्ञ। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है, उन्नति बेटे यहाँ पे डबल वर्ण, मैंने बोला द्वितव रूप में, जब व्यंजन द्वितव रूप में आए अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होता है, अब उन्नति पूछा हुआ है, नति कर दिया, आगे आ गया ऊ, ये है उन्नति। अब कैसे तोड़ेंगे इसको, बोलेगा व्यंजन स्वर, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या किया जाए बोलिए बेटा, सबसे पहले कौन सा रूल लाएं, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए सभी बच्चों कितने सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड शाबाश, मजा आ रहा है आज आप लोगों के आंसर देख के। इसी प्रकार से पढ़िए, सिलेक्शन पक्की है। उन्नति की जब बात करेगा, अब पूछा हुआ कौन सी संधि है, त को न, अब ये जो है वो व्यंजन संधि है, उन्नति मैंने बोला द्वितव रूप में, न जो है ये त वर्ग का व्यंजन है, त वर्ग का कौन सा अक्षर है,
पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर है मतलब व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि नहीं देखेंगे। स्वर के बाद जो है वो क्या लगाया जाता है, जब भी स्वर या व्यंजन के बाद जो है क्या रहे, अ वगैरह का जो साउंड जब रहता है हम क्या करते हैं इसमें ह रहता है, जैसे कि राम ह, ठीक है, प्रात ह, केश, ठीक है, केश कर दिया, ह ही रहेगा, यानी कि जब हम बात केश एटसेट्रा एटसेट्रा। अगला सवाल देखिए, व्यंजन हो गया। अगला सवाल कहता है नीचे दिए गए वाक्य का एक शब्द है पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, यानी कि जो पुरानी परंपराओं को मानने वाला होता है बेटे उसकी बात कर रहा है। वीडियो जो लाइक कर दो, चैनल जो कर दो यार मित्रों सब्सक्राइब, ये तो तुम्हारा अपना करा है यार मित्रों, क्या बात करते हो, है ना। सवाल है बेटे, पहले से चली आ रही जो परंपरा है, मान लीजिए जो आ रही है ना परंपरा चली आ रही है, उसको मानने वाला पूर्वगामी होगा, पूर्वज होगा, गतानु गतिक हो जाएगा, या अंधविश्वास। देखिए अंधविश्वास का मतलब हो गया कि जैसे आप किसी चीज पे विश्वास, अंधविश्वास करते हैं, जैसे आपको लगता है कि रात को कोई भूत जो है आपके आसपास सोया हुआ है, वो हो गया आपका अंधविश्वास, तो इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। अब ये है गतानुगतिक, अब गति नहीं हुई भाई, गतानुगतिक। गतानुगतिक क्या होता है वो, अब समझो इस चीज को, हमारे यहाँ गांव में एक उदाहरण देते हैं, ओ मयोती नारासी दादू थाना से भी नगत्ता ही मरी गया, आग्यो छोरू हुआ से भी नगत्ता ही मरी गया, मयो आग्यो ही नरिलो आदा हुई है ना इन अभी अड़े नगत्ते चलिए, मतलब नगत्ता हो गया कि वो ऐसे ही चल रहा है, मतलब उनका चाल चाला वैसे ही चलता है, ठीक है। नगत्ता तो मरने वाला हो गया, यानी कि इसको गति सती नहीं होगी। अगला सवाल, ठीक है, आगे कहता है नीचे दिए गए वाक्य का एक शब्द है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, बिल्कुल है युद्ध करने की प्रबल इच्छा, प्रचंड प्रहार, युत्सु जेहाद युत्सा युद्धि, जिहाद नहीं करना, लव जिहाद नहीं करना बेटा, लव जिहाद बिल्कुल नहीं करना, युद्धि भी नहीं बनना, युद्धिजीवी है तुझे कोई, युद्धिजीवी यानी कि युद्ध से अपनी जीविका चलाने वाले त्रिगर्त के राज्य, त्रिगर्त रियासत के हो ना, युतुसा करिए या युसुत्सु करें, तो बेटा इसको कहता है यु युत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहता है यु युत्सा, सर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आ जाओ खड़ गया है स्टडी नाइट भी मैदान में, देख लेंगे किसकी जंग यानी कि किसकी तलवार में कितना जंग है, लग जाएगा पता जंग है भी या नहीं है, तो लस लस कर दिया है कि बोले। क्वेश्चन नंबर 28, सही वर्तनी वाला रूप है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ ये अब देखो वही सवाल आ गया बेटे, अनभिज्ञ क्या बोल रहा है, सही वर्तनी, पहले तो इसको अनभिग इसको काट दें, क्यों ग बी ई, ठीक है। अब समझिए इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें जो है ये जो सारी संधि है ये व्यंजन बेस्ड है, क्या है ये व्यंजन बेस्ड है, यस ठीक है। अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ कैसे बना, ग की बात कर लो, ठीक है, जैसे कि आपको ग मिल गया संयुक्त अक्षर, क्या मिला संयुक्त अक्षर, इसका हमने रूल देखना है, संयुक्त अक्षर मिला तो संयुक्त अक्षर के लिए गय ये तो कैंसिल हो गया, इस वजह से गया इसलिए कैंसिल हो गया, ये तो वर्ण को जोड़ के शब्द बना, ये वर्ण जोड़ के शब्द बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात अनभिग, अनभिग का मतलब हो गया कि ये व्यंजन का प्रयोग कर रहा है पीछे, लेकिन आगे भी है तो व्यंजन का गलत प्रयोग कर दिया, इसको काट दिया, एक ऑप्शन बच रही थी अनभिज्ञ, ज्ञ जो है ये शब्द बना है, ठीक है, ज चमा ज्ञ को जोड़ के ज्ञ बन गया, संयुक्त अक्षर था, बात खत्म, व्यंजन का रूल था। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लोकोक्ति का अर्थ है, जैसे बेटे लोगों ने खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आपने सुना होगा, रखी रहा प्राइस चाहे 70 रुपए, अंदर कंटेंट होना 0, के थीते चोर ना स्टडी नाइट रे पहले फ्री कर दी तेरा बच्चे रहा कितना कर तू साओ मूर्खो बेब को बनाना, ऐसे ऐसे नरबक्सी हैं हिमाचल प्रदेश में, मतलब इन इनको संरक्षित किया जाए, मेरी हिमाचल सरकार से दरख्वास्त है, ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो गए हैं नरबक्सी, 1 रुपए की चीज भी होगी उसको बोलते हैं इसके पैसे लगेंगे, अरे फ्री लो, एचपी जीके हिंदी इंग्लिश, ठीक है, एचपी हिंदी इंग्लिश जनरल साइंस मैथ्स रीजनिंग हर एक टॉपिक के 1-1 हजार MCQs फ्री हैं, 1-1 हजार MCQs फ्री हैं, गॉट इट। खोदा पहाड़, पहाड़ खोदने पर चुहिया का निकलना काट दिया, अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, कम परिश्रम में लाभ 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 इसको काट दिया, पहाड़ पर चुहिया के साथ चढ़ना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या आंसर हो गया भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बनी गल की नहीं बनी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नरबक्सी हैं, उन नरबक्सियों से बचो, ठीक है, चलिए चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अनुग्रह का विलोम शब्द है, अनुग्रह जब हम किसी से क्या करें, बोले अनुग्रह, विग्रह, विग्रह होता है जब किसी में दूरी आ जाए, क्या आ जाए, दूरियां बध गईयां, है ना, क्या कहते हैं, दूरियां बध गईयां, फासले पलक नु चुम दिया, क्या है एक गाना आता है ना नसीबों का है मे बी, दूरियां बध गईयां। विग्रह का मतलब होता है जब विग्रह आ जाए,
जब क्या हो दूरी बढ़ जाए। आग्रह होता है जब आप किसी को क्या करते हैं, अच्छा क्या पूछा, विलोम शब्द पूछा है ठीक है, आग्रह होता है जब आप किसी का क्या करते हैं आग्रह करेंगे, है ना। तो आग्रह गया तेल लेने, अनुतोष गया तेल लेने, कृपा आशा करनी नहीं, अनुग्रह, अनुग्रह का जब हम बात करेंगे विग्रह बढ़। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 क्या था, सत्कार का विलोम शब्द है सत्कार, ओ मैनू तेरा सत्कार है ना जी, बाबा रखे वाले, बाबा नानक दा सत्कार। तो सत्कार की बात करें, उपेक्षा, निरादर, उपमान, तिरस्कार। जय हिंदू राष्ट्र, फटाफट से चक दो मित्रों, ठीक है। बोलिए, अपेक्षा होगा, निरादर होगा, अपमान होगा, तिरस्कार होगा, जब हम किसी व्यक्ति का सत्कार करेंगे। आओ जी आओ जी, जैसे सत्कार करते हैं तब जब आपको, अब लड़कों को अगर कोई बुआ आए रिश्ता लेके, बच्चा मैं लेंद्रा रिश्ता, तब बुआ बुआ ये थीजे बैठा, तब बुआ होगी खरी, जब बुए थी दीती कोई चुगली तब बुआ गई हुई बुरी। तो सत्कार करेंगे तो फिर आप तिरस्कार करेंगे, अगर बुआ ने कोई चुगली लगा दी तो सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार, क्या हो जाएगा तिरस्कार। अगला सवाल देखिए बेटा, 32 निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द है कौन सा, शब्द तत्सम शब्द कौन सा है, भिक्षा, भिक्षा, भीख, भी भिक्ष। देखिए आपने सुना होगा जैसे भगवान जी कहते थे भिक्षाम देही, साईं बाबा जी कहते थे भिक्षाम देही, तो भिक्षाम देही, तो भिक्षा की बात कर रहा है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द बताइए। ये भिक्षा जो है इसको काट दिया, यहाँ पे क्या है ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है, इसमें व्यंजन का प्रयोग हुआ है, इसको काट दिया, यरलव ठीक है, श स स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसम व्यंजन का प्रयोग हुआ है, सबसे पहली बात यहाँ हुआ है उसम व्यंजन। भिक्षा, क्षा जो है यहाँ पे संयुक्त अक्षर है, क्षा बना हुआ है, यहाँ पे ये जो क्ष बना हुआ कैसे बना है बच्चे, क जमा श, क्या बना, ये बना है क जमा स से, ठीक है। भीख की हम बात करेंगे तो भीख तो नॉर्मल हो गया ठीक है, कि मैंने भीख किसी को दे दी, अब भिक्षा तो क्या हो जाएगा, ये सभी का सही आंसर क्या हो गया, भिक्षा हो गया। देखा वर्ण वाला टॉपिक था, ऐसे निकालते हैं इनको, बर्तनी वर्तनी कुछ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए भाई, जनरल साइंस, बोलो भाई 32 में से किसके कितने कितने मार्क्स आए, 32 सवाल कर लिए, 16 हिंदी के, 16 एचपीजी के, बताओ कितने कितने मार्क्स बने बताइए। अच्छा, शरीर का कौन सा अंग जो है पित्त नामक द्रव का उत्पादन करता है, वाह जी वाह, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूड नोन एज वाइल, जल्दी बताएंगे भैया, ए आए साइंस सारे सवाल कई दहाड़े बाद पढ़ने लाई रे, दसो, लीवर हो जाना, अग्नाशय हो जाना ठीक है, या पित्ताशय हो जाना, या फिर तो सर किडनी हो जानी, जल्दी दस दो मित्रों, फटाफट दसना भाई। हाँ बाजी वाह, क्या बात, ये किस जो आया भाई, गॉल ब्लैडर क्यों ना आए भाई, कौन है ये व्यक्ति ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। तो भाई जेड़ा लीवर जी हुआ ना, तो सारा पाचक द्रव का उत्पादन करता है बस, यानी कि जो एसिड का डाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला भाई, निम्नलिखित में से किस वर्ण के कारण, अब देखिए हिंदी में बाकी यार साइंस टफ होती है, व्यक्ति की आंखों का रंग भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें होती है। आ देखिए देखिए मठियो, एड़ा तो दस दवाई जी, तुसे मठिया जो कमेंट मारा है, तो सारी आखिया बड़ी बारी बांकी, एड़ी बांकी काचरी काचरी आखिया ने, नीली नीली आखिया, मजा लगा भाई देखने रहा, तो चाव लगा देखने रहा, ये एड़ा दसो भाई, ये जो भूरी और नीली आखी हो, ये की हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कॉज आई कलर ऑफ पर्सन ब्राउन आईज, मुंडे ब्राउन नहीं ठीक है, ब्लू आईज और ब्लैक आईज, तो फटाफट दस देना आंसर, साइंस नहीं आती आज आई जानी, जल्दी दसो भाई। वेरी गुड वेरी गुड, सुकले सरे पढ़ाई रही तो सोयो की नहीं पढ़ाई रही, आखिया मठिया रही, तो इधर राइट आंसर कॉर्निया हो जाना, या कोराइड हो जाना, या आयरिस हो जाना, क्या हो जाना, तो तुसा जो पता या एक की ऑप्शन ही आयरिस जेड़ा इधर राइट आंसर हो जाना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, यानी कि 1665 में कोशिका की खोज किसने करी, तो आसा जो भी ये इया मैडम पढ़ाई थी, ये दिया अंदर पढ़ाए थे, आसे इया इया बनाए थे कुछ डायग्राम, कदी समझ आया नहीं से कोशिका, ठीक है भाई, एड़े तो आसे भी डायग्राम बनाई रहे, तो दसो भाई क्या थी, हो गए साइंस आवड़े, हाँ हाँ मुगल, जल्दी दसो भाई, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक हो जाना, डेविड थॉमसन हो जाएगा, या फिर मैरी फ्रेंकोइस हो जाना, जल्दी दसो भाई। वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप, वीडियो जो कर दो यार लाइक, छोटी जी रिक्वेस्ट ही प्यारी जे, क्योंकि स्टडी नाइट खोली दी तेरे अपने खजाने रे भंडार, इतना खजाना कभी खत्म हो ही नहीं सकता आया, ठीक है जी। हर एक टॉपिक के हिमाचल में जो भी सवाल आते हैं, हर एक टॉपिक पे 1-1 हजार एमसीक्यू फ्री है, डाल दिए हैं वेबसाइट पे, डाल दिए हर एक जगह डाल दिए, चको मित्रों पढ़ने की तैयारी करो। यस वेरी गुड, तो सब ही सही आंसर हो जाना, हुक लगी के जो लगी, हुक लगी के जो लगी भाई, रॉबर्ट हुक को हुक लगेगी। चलिए अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि देखिए यहां से भी आपसे पूछेगा कंपास इज नॉट यानी कि आयोनिक इन नेचर। अब भैया ये सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में आयनिक नहीं है? फटाफट बताइए कौन सा आयनिक नहीं है। लिथियम क्लोराइड हो जाएगा, या जो है आपका जैसे अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में टाइप नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 इसको ठीक करवा देंगे आपके पेपर में, डोंट वरी। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, या कार्बन जो है टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। फटाफट बताइए भाई क्वेश्चन नंबर। देखिए जनरल साइंस बड़ी टफ आती है यार, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ आती है पेपर में। अच्छा भाई, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बैच केवल मात्र 120 रुपए में, कुल 120 रुपए बीच 6 महीने की कोचिंग, मतलब 20 रुपए महीना, 6 दुनी 12, 20 रुपए महीना स्टडी नाइट पढ़ा रहा है, 20 रुपए महीना, टॉप क्लास का कंटेंट, 100 मॉक टेस्ट, 10 तो पहले ज्वाइन होते ही सबको प्रोवाइड करा दिए, 100 मॉक टेस्ट, 6 महीने लाइव क्लासेस, 6 महीने तक हमारी क्लासेस चलेंगी, यानी कि 4 महीने, 2 महीने जो है रेस्ट लेते हैं हम लास्ट में, उसमें हम करेंगे 100 मॉक टेस्ट। पेपर कब होना? पेपर होगा अक्टूबर और नवंबर में तो चलेगा, दिसंबर तक इसका पेपर खींचेगा इस बार, दिसंबर तक, गॉट इट? 6 महीने तक क्लासेस चलनी, जब पेमेंट करनी हुई, ठीक है जी, ऑप्शन डी। तो अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं 7807922400 स्टडी नाइट हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर जहां से हजारों में अब स्टूडेंट सिलेक्शन लेके निकलेंगे, पिछली बार सैकड़ों में ही थे, ठीक है। जैसे जैसे पुलिस कांस्टेबल, वो क्लर्क के पेपर हो गए, कितने पेपर हुए आपके सामने, रिजल्ट है। फॉरेस्ट गार्ड का देख लीजिए, अभी 2 ही पेपर थे जिनका ढंग से रिजल्ट आया, स्टडी नाइट ने परचम बुलंद किया पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, और इस बार भी करेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है अरे यार साइंस पढ़ाने का मन नहीं है, क्योंकि साइंस के लिए आ रहे हैं शुक्ला सर, ठीक है, साइंस के लिए शुक्ला सर आ रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में रूबरू होंगे, वो आपको खुद करवाएंगे। इस पेपर को मैं आपको भेज रहा हूँ पीडीएफ के रूप में, कहाँ भेजूँ बोलो, व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी मेरी क्लास एक तरफ खत्म होगी और एक तरफ आपको ये पेपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश के सवाल भी हैं, इसमें साइंस भी है, इसको करा देते हैं साइंस। साइंस, दो या दो से अधिक तत्वों से बने पदार्थ को द्रव्यमान से एक निश्चित अनुपात में जो है रासायनिक रूप से संयोजित किया जाता है, क्या कहलाता है बताइए बच्चे? मिक्सचर, कंपाउंड कहलाएगा, समाधान कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा क्या, कंपाउंड समास, हिंदी में हम कंपाउंड को क्या समासो भी बोलेंगे, ठीक है जी। अगला सवाल है, द इन्वेंशन ऑफ पेट्रोल कार इज एसोसिएटेड विद, पेट्रोल कार का आविष्कारक जो आविष्कार हुआ था वो संबंधित है, पेट्रोल कार जेडी गड्डियों पेट्रोल पवा भाई, जल्दी दसो, वेरी गुड, एक बार वीडियो लाइक कर दो सर, आपको नहीं लगती अच्छी साइंस? हाँ मुझे साइंस और मैथ दोनों ही अच्छा नहीं लगता है, ठीक है बताइए। जॉनसर जॉनसन पूछा हुआ है, ठीक है, जेनसन जॉनसन, ठीक है, जॉन एंड जॉनसन, या मैकमिलन, या कार्ल विंच, क्या हो जाएगा भाई इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गड्डी लेनी मर्सिडीज बेंज, तार आंसर हो जाना कार्ल बेंज, गड्डी लेनी मर्सिडीज बेंज, ठीक है जी। टाइटेनियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग पर्पज, निम्नलिखित में किस उद्देश्य से टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? डेटा संग्रहण, चेहरा चेहरा पाउडर, फेस पाउडर, चेहरा पाउडर तो फिर लड़कियों के लिए हो गया फाउंडेशन, ठीक है, सफेद पेंट हो गया, व्हाइट पेंट, या ऑल ऑफ दीज। केड़ा? टाइटेनियम ऑक्साइड, तो आपने सुना होगा रेड ऑक्साइड, सुना है कि नहीं, जिड़ा से प्राइमर प्रूमर मार दे मित्रों, तीदरी गल करी करा। अब देखो नाम भी ऐसा है ना, लड़कियों की एक बात है, वो भी अपने चेहरे पे क्या करती है, प्राइमर मारेंगी, पहले प्राइमर हो गया आपका, फाउंडेशन मारा, ठीक है, उसके बाद वो कलरिंग मारी, लाल पीला कैसा रंग बनाना है फेस का, फिर जाके जो है वो फिर लवली पोती, फिर जाके बोलेगी हम तो कुछ करती नहीं है, हम तो मजाल है कि हम तो मेकअप के नाम पे करते ही कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तब फाउंडेशन हो गया भाई मित्रों, चेहरा पाउडर की बात कर रहा है, ये जो फेस पाउडर हो गया इसको काटो, ये थोड़ा सा अलग हो गया है वैसे तो, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, तब प्राइमर मार रही है जो भी मुंह जो, ठीक है, सारे नहीं मारते, पढ़ने वाले वैसे नहीं मारते हैं, तो नाराज मत होना। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जल्दी से जल्दी से, देखो फिजिक्स सारा सवाल जबरदस्त डेंजरस सवाल पाई रही, रेफ्रिजरेटर हो जाना, फैन हो जाना, इलेक्ट्रिक मोटर हो जाना, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाना, तब इन जो भी लेना पड़ो में एक जनरेटर, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं, डीजली भैया इतनी चली जाए लाइट, फिर क्लासा नहीं होंगी, तो लेना ही पौना,
जेड़ा से जनरेटर वहां से लेना पोना। अच्छा भाई फैन तो फैन ही है, रेफ्रिजरेटर जेड़ा तो सर फ्रिज, आजकल तो फ्रिज यार पूरा काम चली करा ठीक है। तो स्टडी नाइट ले लेना जो है जनरेटर, क्योंकि तू सारी क्लास नहीं देनी मैं बंद होने राज्य अंदर नहीं हो चाहे 10 दिन लाइट, आसा लेना ले जनरेटर। अगले सवाल, ये कौन जो सवाल है, ओहो अच्छा चलो करा ही देते हैं। क्या बोलता है भाई, रीजनिंग है वैसे तो मैं कराता नहीं, चलो करा देते हैं। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, क्या बैठे हुए एक पंक्ति में बैठे, एस और जेड केंद्र में बैठे हुए हैं, एस और जेड जो है वो केंद्र में बैठे हुए हैं ठीक है, एस और जेड केंद्र में, जेड होगा या एस और जेड केंद्र में बैठे हुए, ए और पी सिरे पर है, बोलने का मतलब है ए और पी जो है वो सिरे पे है, दो ईस्ट पी और ए, बस ऐसे बना लो ये लाइन होगी। कितने बंदे हैं, दो चार, एक दो तीन चार पांच छह बंदे हैं ठीक है जी। अब आपसे सवाल पूछा क्या है, अच्छा ए के बाएं कौन बैठा, अब देखिए ए और पी सिरे पर हैं, आर ए के बाएं बैठा है, क्या बोल रहा है, आर जो है वो ए के बाएं बैठा है, अगर ए सिरे पे है तो दायां बायां। अब देखिए सबसे पहली बड़ी बात पता क्या दिखनी होती है इसमें, ये दिखनी होती है, इसमें तो बताया नहीं है इनका मुख किस साइड है, तो हम एक ही बात कर लेते हैं जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमने क्या कर दिया कि वो आगे की तरफ देख रहे हैं, तो अब हमें देखना है बायां। अगर मैं इस तरफ देखूं ए का, अगर मैं लूं कंडीशन वन, अगर मैं कंडीशन वन लूं, अगर मैं बात करूं ए की, तो ए का बायां इस तरफ, ये तो बोल रहा है ए और जो है कौन पी लिखा हुआ नहीं, ए और पी तो सिरे पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि कंडीशन बन क्या हुई कि? बोलो भाई पहले ये बताओ कंडीशन कौन सी गलत हुई। अब देखिए कंडीशन एक हमारी गलत होनी चाहिए, यहाँ एक कंडीशन गलत हुई, बोलिए कौन सी कंडीशन को आपने गलत किया, यही तो बात है, ऑप्शन ए वाली कंडीशन गलत या ऑप्शन बी वाली कंडीशन गलत। आपके नंबर पे कॉल नहीं हो रही, लगातार बिजी चल रहा है इस वक्त नंबर, इसलिए नहीं कॉल हो रही है। यस देखो बेटा अब आगे क्या कहता है, आर ए के बाएं बैठा है, बोलने का मतलब है ए के बाएं, अगर हम ये इस तरफ देख रहे हैं तो इसका दायां ये हो गया इसके बाएं, तो लो एक मिनट के लिए बिठा दिया। अब कहता है पी के दाएं कौन है, अच्छा ये सवाल पूछा है, बोले पी के दाएं कौन है, तो पी के दाएं आसा भी लेता, ये किस सवाल बचा, एक दो तीन चार पाँच छः सारे हो गए कि नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सारे आ गए, आ गए कि नहीं आए, बोलो जी कौन बैठी रहा, कौन बैठी रहा, मैं हूं एक्स बैठी रहा, लगे पता कि नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो नींद इतनी होती सता ऊपर को मुंह कर देना ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गल खत्म। अगला सवाल कराई दे आज पूरी रीजनिंग भी, तो बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना स्टडी नाइट वाले कुछ बिकराई दे खतरनाक। अगला सवाल है पी क्यू आर एस टी यू बी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग राउंड दी सर्कल एंड आर फेसिंग दी सेंटर, एडी गली ना ये बनाई दे सर्कल बनाई दे ठीक है, ये बनाई लिया सर्कल, क्या बोली करा देखा है बेला फेसिंग दी सेंटर, अच्छा ठीक है पी है क्यू है आर एस टी यू, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बंदे हैं, टोटल बंदे हैं आठ, आठ बंदों को बिठाना है ठीक है, क्या कर रहे हैं सिटिंग जो एक राउंड टेबल है उस पर बैठे हुए हैं और फेस कर रहे हैं सेंटर की ओर, इस साइड फेस कर रहे हैं, एक हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जब मान लो ऐसे इतने बैठाने लगे तो ऐसा इतने बिठाना। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसी पे देख लेते हैं, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, बोलता है जो पी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ टी, जहां से दायां बायां शुरू वहीं से खेल शुरू, राइट ऑफ टी, बोले राइट ऑफ टी, तो टी के राइट साइड कौन, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, जहां से दायां बायां शुरू हम करते हैं यहां से सवाल, बोले टी के राइट में, तो टी के राइट में कौन से, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ टी, बिठा लें इसको ठीक है, एक दो, अब लोग क्या करते हैं कुछ लोग यहां ले आएंगे कि सेकंड दो छोड़ के नहीं है तीसरा नहीं है दूसरा है, खाली ऐसे ले आते हैं इसको। अगला सवाल क्या बोलता है, ठीक है आगे कहता है हु इज द नेबर ऑफ आर, है डब्ल्यू होना चाहिए था, अच्छा सॉरी सॉरी राइट ऑफ टी, अब यहां पे या तो इस सवाल में गड़बड़ है कुछ, ये हु कैसे आ गया, हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी, चलो कोई नहीं आगे देखते हैं इसको, W होना चाहिए था ठीक है, या तो W होगा यहाँ ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं इसको, S is not the neighbor of P, S जो है वो नेबर का P नहीं है, S S ये दोनों इस जगह नहीं होगा S ठीक है। अगला क्या कहता है, ठीक है S जो है इज नॉट द नेबर ऑफ P, और कहता है V इज द नेबर ऑफ U, क्या कहता है जो B जो है इज द नेबर ऑफ U, B जो है वो नेबर होगा U का, तो जहां बी होगा वहां यू होगा, दिक्कत हाँ दिक्कत में क्वेश्चन है इस लाइन से, ये गड़बड़ हो गया है सवाल ठीक है, चलो कोई नहीं, आ तो सारे आपू पुराना मितू सारा आसो क्या
है ना, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, क्या कहता है क्यू जो है वो एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, तो एस एती है, तो यानी कि एस और इसके बीच में क्या क्यू नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये समझ नहीं आ रही है, ये गलत कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 42 में गलती है इसको, चलो कोई बात नहीं ठीक करवा देंगे, और इसकी आपके लिए एक्सप्लेनेशन डाली क्यों नहीं है भाई इन्होंने, चलो कोई बात नहीं इसको भी डलवा देंगे, जो भी नहीं डली होगी क्वेश्चन नंबर 42 में थोड़ी सी दिक्कत है, गॉट इट, और कुछ नहीं है। अच्छा हिंदी में ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं, चलो छोड़ो फिर। ओके तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं, चलिए ये तो वैसे ही, कल तो छुट्टी है, संडे, संडे ऑफ होता है, लेकिन शाम को यूट्यूब सेशन होगा, लेकिन मंडे, मंडे को जो आपके मुकेश सर है, ठीक है, कब मंडे को, तो मंडे को जो है वो वैसे ही इन सारे चीजों को करवाने वाले हैं, 10 पेपर जो है वो आपको करवाएंगे, ठीक है, 10 पेपर वो पहले करवाएंगे, आपको तैयार करेंगे पूरी तरीके से, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, आप सभी के साथ फिर मिलेंगे स्टडी नाइट पे, लव यू सो मच, जानू तुम्हारा गलत है जो तुम्हें वीडियो जो लाइक नहीं किया, वीडियो जो कर दिया लाइक, चैनल जो कर दिया मित्रों सब्सक्राइब, ठीक है, ओके लव यू सो मच, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ बहुत जल्द एकदम, कब, कल रात 8 बजे, सपा सप आ जाना। अच्छा फ्री कंटेंट के लिए 1 मिनट रुक जाओ, रुको रुको रुको, देखो भाई कहाँ जा रहे हो, कितने चल रहे तुसी, 1 मिनट रुक जाओ, देखो कोई गलत बात नहीं, यहां बेटे इन पेपर को लो, कल तुम फ्री हो, अटेम्प्ट करो और देखो कितने सवाल तुम्हारे गलत हुए, कितने सवाल तुम्हारे ठीक हुए, 10 पेपर हैं, 800 क्वेश्चन मान के चलो आप, ठीक है, इन पेपर को करो, आंसर की दी हुई है, क्लियर, आंसर की दी हुई है आपको, आंसर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ये मॉडल पेपर है, इसका नाम मेंशन कर दो यार, क्या नाम रखा हुआ है इसका, ठीक है कोई बात नहीं, वो आपको पता चल ही जाएगा ऑटोमेटिकली कि जो भी नाम है चैनल पे इसका, स्टडी नाइट HP होगा, @StudyNightHP, लेकिन कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हम कल सुबह अपडेट कर देंगे इनको, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर कोर्स ज्वाइन करना होगा बेटे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, यहाँ देख लीजिए स्टडी नाइट एक ऐसा परिवार है जहाँ 1100 सोल्ड आउट ऑफ 100, मैंने 100 स्टूडेंट के लिए प्राइस रखा हुआ 120, अपना प्राइस जो है वैसे 500, इसकी प्रीमियम जो बैच है, प्रीमियम बैच है 500 फीस लगेगी, वरना 1100 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, आप कब करोगे, स्टडी नाइट का विश्वास है, 1100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, प्रचंड प्रहार, ये हमारी स्टडी नाइट की वेबसाइट है, studynight.in सर्च कीजिए, जितने मर्जी टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दीजिए, देखिए हमारे पास जो टेस्ट जो चलेंगे, ये देखिए लगातार कौन सा टेस्ट देना है ऐसा बोलो आप, ठीक है, चलो ये बहुत सारे टेस्ट हैं, ये आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, ओके लव यू सो मच, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है 7807-2498-170-34-33, गॉट इट, लव यू सो मच, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ कल शाम 8 बजे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, फिर कह रहा हूं।